ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका खोज किसने किया था, तो ये इंडिया के वैज्ञानिक, ट्रिग्नोमेट्री की खोज हो गई उसके बाद यहाँ पे इसका यूज जो होता है वो कहाँ होता है, तो इसका यूज जो होता है जैसे कि आप लोग 10th में पढ़े होंगे, ये 10th से ही आता है, ठीक है, आप लोग जो पढ़े हैं तो 10th से ही पढ़े होंगे। जो 10th में क्या होता था कि हम लोग यानी कि बड़े बड़े ऊंचाई यानी कि मीनार सब की ऊंचाई निकालते थे, या टावर सब का हाइट हाइट या बेस या एंगल या हाइट, यानी कि किसी हाइट पे मतलब अगर एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसका मतलब हाइट या एंगल या डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेते थे, तो किसकी मदद से, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में अगर एंगल नहीं होता तो आप यहाँ पे शायद इसका जो लेंथ होता है वो आप नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा कि कहीं जगह कहीं कहीं ऐसा था हाइट हाइट एंड डिस्टेंस में कि टैन थीटा का फॉर्मूला लगता है या साइन थीटा का कंडीशन में सब निकलता था, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल का बहुत बड़ा रोल है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि एंगल वैसे होता क्या है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एंगल के बारे में मेजरमेंट्स जो करते हैं वो दो प्रकार से मेजरमेंट्स करते हैं। बेसिकली अगर 10th में अगर आप पढ़े हुए हैं तो इसको आप सिर्फ डिग्री में मेजर किए होंगे, ठीक है, लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं इसको दो टाइप से एंगल को मेजर करेंगे, और ये एंगल मेजर जो होगा उसको एक जो होता है डिग्री होता है मेजर और दूसरा होता है रेडियन मेजर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि एंगल बनता कैसे है, ठीक है। एंगल जो बनता है जैसे यहाँ पे ये लाइन है इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन, क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन। और एक और लाइन होता है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन। अब ये दोनों लाइन मिला के जो होता है एंगल बनता है, ठीक है। तो इसी चीज को अगर एंगल इनिशियल से फाइनल अगर जाएगा तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी आप जानेंगे सिर्फ एंगल के बारे में, एंगल कितने टाइप का होता है और यहाँ पे कैसा होता है, निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, ये सब के बारे में हम लोग एंगल के बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये थीटा एंगल हो गया। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, इसको एंगल जो बोलेंगे तो ये देखिए डायरेक्शन कैसा है, अगर कोई चीज इस तरीका से मूव कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि ये एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। और अगर इसी चीज को हम इस तरीका से दिखा दें तो इसको बोलेंगे क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है, क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसी चीज को जैसे थीटा है तो ये पॉजिटिव एंगल होगा, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव एंगल कैसे होगा, जब हम यहाँ पे एंगल को मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसी चीज को इसी के विपरीत अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे इनिशियल लाइन ऐसे, ठीक है, इनिशियल लाइन, और ये लेते हैं टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके विपरीत, यानी ये है एंटी क्लॉकवाइज तो ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे कि घड़ी की दिशा में चलते हैं तो उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो यह है, ये जो होगा वो पॉजिटिव निगेटिव एंगल होगा अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो। फिर इसका जो एंगल होगा ये हमेशा क्या होगा, ये भी जान सकते हैं कि एंगल जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक, ये भी जान सकते हैं। देखिए अगर जो एंगल होता है कोई भी एंगल, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इनफिनाइट से लेकर मतलब माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी के बीच में एंगल मेजर किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर इतना से इतना के बीच में अगर मेजर किया जा सकता है, ठीक है, तो आप इसी चीज को आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 270 लिख देते हैं, ठीक है, 270 है। अभी 270 होगा एंगल तो कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया इनिशियल लाइन, और इसी चीज को हम ऐसे दिखा दिए तो इस तरीका से एंटी क्लॉक वाइज ये पॉजिटिव एंगल है, एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एंगल हो गया ये क्या हो गया थीटा, जो कि 270 डिग्री आ गया, ठीक है, 270 आ गया। तो इस प्रकार से अगर नोट कर दें, मान लीजिए ये है तो ये है 30 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनिशियल और ये टर्मिनल हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे इनिशियल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टर्मिनल हो जाएगा, ये इनिशियल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये टर्मिनल हो जाएगा, क्लियर। तो
इस दोनों इनिशियल और टर्मिनल के बीच जो रोटेट जितना रोटेशन होने के बाद जो एंगल बनता है वही होता है एंगल ऑफ एंगल बनता है। इसका मेजरमेंट्स यानी कि अगर एंगल का डेफिनेशन अगर आप पूछे कोई तो आप क्या बोलिएगा, एंगल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन ये है। इसी टाइप को हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे द टाइप ऑफ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स अबाउट यहाँ पे एंगल मेजरमेंट्स ऑफ एंगल इन ट्रायंगल इज कॉल्ड क्या जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे में बोल सकते हैं जिसके अंदर एंगल के बारे में जिक्र किया जाता है वही है ट्रिग्नोमेट्री, या तो रिलेशन बिटवीन यहाँ पे एंगल और साइड यही क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है। अब यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि एंगल जो होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होता है और कितना एंगल हो सकता है, तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक के बीच में। लेकिन अगर आप अंडर 10 में पढ़े होंगे यानी 10 तक अगर पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगा कि 90 डिग्री तक ही पढ़ते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा होता है लेकिन उसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हमको याद करना था उसका वैल्यू, ठीक है, उसका वैल्यू यानी कि 0 से लेकर 30, 60 कितना होगा 90 इतना तक हमको याद करना था, 45 भी था ऐसा ही कुछ नंबर था, तो इतना डिग्री तक का वैल्यू हमको फाइंड करना था। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले एंगल के बारे में पता चल गया कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगा, ठीक है। अब ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 270 डिग्री होगी, तो क्या इससे ज़्यादा यानी कि मतलब यहाँ पे अगर ये बोले इनिशियल है इसी लाइन पे अगर दूसरा लाइन आ जाए तो इसी लाइन पे अगर दूसरा लाइन आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी लाइन पे स्वैप किया था, एंगल में कोई स्वैप नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब कोई अंतर नहीं हुआ है, इसी लाइन पे दूसरा लाइन आ गया तो थीटा क्या हो गया 0 डिग्री, ठीक है, थीटा जो हो गया वो थीटा आ गया 0 डिग्री, क्लियर। ऐसे बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ गया, तो इस लाइन पे थीटा 0 डिग्री है, इसमें नेगेटिव एंगल का बनता है जब डायरेक्शन क्या हो क्लॉकवाइज हो, पॉजिटिव एंगल क्या बनेगा जब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो। अब इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डिग्री का मेजर किस तरीके से करते हैं, जो मेजर के बारे में जानते हैं, तो मेजर इसको टू टाइप से किया जाता है, इसको टू टाइप से डिवाइड मेजर करेंगे ऐसे कि यहाँ पे एक होता है रेडियन मेजर, ठीक है, रेडियन, और दूसरा होता है डिग्री मेजर, ठीक है, डिग्री मेजर। तो इसमें रेडियन का सिंबल होता है कि आप किसी भी थीटा को यानी कि इस तरीका से आप लिख सकते हैं या ओनली थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, अगर कोई सिंबल नहीं देते हैं ये थीटा यानी कि रेडियन में होता है, और वहीं अगर डिग्री में होता है तो डिग्री में क्या होता है कि अगर थीटा है तो इसका डिग्री का सिंबल देना होगा, ठीक है, डिग्री का सिंबल नहीं देंगे तो वो रेडियन मान जाएगा, ठीक है, रेडियन में आप सी का सिंबल दीजिए या ना दीजिए वो रेडियन में कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको कहीं 2 डिग्री है और 2 डिग्री के बदला में अगर कहीं 2 लिख के छोड़ दिए तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होगा कभी भी नहीं, ठीक है, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक। अब इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कन्वर्ट करना कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इससे पहले आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पे जो होता है ना कुछ 1 मिनट जो होता है यानी कि 1 डिग्री, वो 1 डिग्री को आप कितना पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, इनिशियल साइड, ये क्या है टर्मिनल साइड, तो यहाँ पे हो गया 1 डिग्री, क्या हो गया 1 डिग्री, तो आप इसको कितना 60 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इसको 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अप टू 60 पार्ट, ठीक है, तो ये मिनट में डिवाइड हो रहा है, क्या चीज़ में डिवाइड हो रहा है, मिनट में डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए 1 डिग्री जो होता है 1 डिग्री वो 60 मिनट के बराबर होता है, ये सिंबल भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर 1 मिनट जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो गया तो 1 मिनट ऐसे ही बना देते हैं, यहाँ पे देखिए अब ये 1 मिनट है 1 मिनट, अब इसको भी 60 सेकंड में बदल 60 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 सेकंड आ जाएगा, इसको मिनट और इसको सेकंड बोलते हैं। इस प्रकार से 1 डिग्री जो होता है 1 डिग्री वो 360 सेकंड बन जाता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं, क्लियर 1 मिनट। अब इसको भी 60 सेकंड में बदल 60 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 सेकंड आ जाएगा, इसको मिनट और इसको सेकंड बोलते हैं। इस प्रकार से 1 डिग्री जो होता है 1 डिग्री वो 360 सेकंड बन जाता है,
तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये चीज को भी आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज हो गया, और कन्वर्ट करना आसान होगा। तो इसमें आप एक चीज और याद रख लीजिए कि कुछ यानी कि आपको बेसिकली बढ़िया से आपको हमेशा याद ही रखना है, जो हमेशा जुबान पे होना चाहिए वो है आपका, जैसे पाई का वैल्यू होता है 180, तो ये रेडियन में होता है और ये डिग्री में होता है, ये भी मालूम हो गया। ये पाई जो होता है रेडियन में होता है, ये डिग्री में होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पाई बाय 2 अगर कर लें तो वो कितना आएगा, 90 डिग्री होगा। पाई बाय 3 अगर कर लें तो ये आएगा 60 डिग्री, और अगर पाई बाय 4 कर लें तो ये आएगा कितना, 45 डिग्री, और अगर पाई बाय 6 कर लें तो ये आएगा 30 डिग्री, और अगर पाई बाय 6 कर लें तो 30 डिग्री हो गया। तो अब इस तरीके से 0 डिग्री को भी हम 0 ही बोलेंगे रेडियन, ठीक है। 0 डिग्री और 0 रेडियन सेम ही होता है, ठीक है, 0 डिग्री और 0 रेडियन सेम ही होता है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा, तो यहाँ पे एंगल के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एंगल को कन्वर्ट करना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने वाले कुछ सिस्टम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक चीज और हो सकता है कि रेडियन जो बनता है वो कैसे मेजर होता है, ठीक है। रेडियन जो होता है ना, एक सर्कुलर सिस्टम पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक सर्कुलर सर्किल है, इसका सेंटर यहाँ है, ठीक है, सेंटर यहाँ है। अब इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, रेडियस, ये भी है रेडियस, ये रेडियस दोनों हो गया। अगर इसका लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाए, इसका भी लेंथ आर ही हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, ये भी आर हो गया, ये भी आर, तो यहाँ पे जो बनेगा 1 रेडियन बनेगा, क्या बनेगा, 1 रेडियन एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 एंगल नहीं बन रहा है, तो सपोज यहाँ पे एल बन जाए, लेंथ ऑफ आर्क एल बन जाए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, थीटा रेडियन बन जाएगा। क्लियर? तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। फिर यहाँ पे इसको छोटा सा कर देते हैं, और यहाँ पे आर रेडियस लिख दिए, और यहाँ पे 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कब होता है, ये भी आपको जानकारी मिल गया कि जब रेडियस या और यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क रेडियस बन जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री जो होता है मतलब एंगल जो हो जाएगा 1 रेडियन बन जाएगा। जैसे कि 30 डिग्री को और यहाँ पे 20, 30 डिग्री और यहाँ पे 20 मिनट, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको डिग्री से कन्वर्ट करना चाहते हैं, इज कन्वर्ट इंटू डिग्री, कन्वर्ट इंटू रेडियन, कन्वर्ट इंटू रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल क्वेश्चन है। और ये रेडियन से मतलब डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, और प्लस में क्या आ जाएगा, इसको प्लस में देखिए 30 डिग्री 20 मिनट, इसको आप अलग से कर लीजिए, 30 डिग्री प्लस में 20 मिनट। तो इसको अब आपको मालूम है कि यहाँ पे जो लिखे थे, तो यहाँ पे मालूम था क्या कि 1 मिनट में क्या होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 20 मिनट है, या तो 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है, तो यहाँ पे 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 1 मिनट में 1/60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे 30 डिग्री प्लस में 20 मिनट को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 1/60 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 प्लस में कितना आएगा, ये आ जाएगा 23 जा, यहाँ पे कितना आ गया, 1/3, ये भी आ गया डिग्री में, तो यहाँ पे 33 जा 90, कितना आएगा, 90 प्लस में 1, अब आई कितना आएगा, 3, इतना डिग्री, मतलब यहाँ पे 90 सॉरी रेडियन, अब ये रेडियन में आ जाएगा, क्या चीज में आएगा, सॉरी डिग्री, डिग्री, और यहाँ पे 91/3 डिग्री में आया। अब इस डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, ठीक है। अभी तो यहाँ पे दिया हुआ था मिक्सचर करके, ठीक है, डिग्री मिनट सेकेंड सब कुछ दिया है यहाँ पे, तो उसको एक डिग्री में कन्वर्ट कर लिए, वो फ्रैक्शन में बनी है, फ्रैक्शन में लिख दिए, अब उसको हम फ्रैक्शन को तोड़ के अब लाएंगे किसमें, तो यहाँ पे पाई में लाएंगे, मतलब रेडियन में लाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 91/3 कितना आएगा, 3, ये डिग्री में है। अब याद रखिए कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना से मल्टीप्लाई होगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, जो कैंसिल होने वाला है काट दीजिए, ठीक है, और नहीं कटने वाला है छोड़ दीजिए, यहाँ पे 91/π अपॉन कितना आएगा, 54 0,
इतना रेडियन आ जाएगा और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब चाहे तो पाई का वैल्यू पुट करेंगे लेकिन कोई कटने वाला होगा नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। या तो यहाँ पे देखिए पाई का मान पुट करने से कुछ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पाई का मान 22/7 पुट कर सकते हैं, 7 से कैंसिल करेंगे 13 आएगा। अब 13 आ गया, अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितना आएगा 2 से कैंसिल करेंगे 11, और यहाँ पे कितना आ गया, इसको कैंसिल करेंगे 27 0। यहाँ पे 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 × 13 अपन कितना 270, इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 13 × 13 और फिर यहाँ पे 13 × 13 और फिर यहाँ पे 1 तब 14 143/270 ये आ गया। और कोई कटने वाला कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर लीजिए, नहीं हो कैंसिल होने वाला तो इतना पे छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हो गया रेडियन में, क्लियर। तो आप इस तरीके से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो डिग्री रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 15 पाई बाय 18 मीटर होते हैं। ठीक है, इतना है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 5 पाई बाय 18 तो है ही, इसको कन्वर्ट करना 180 ऊपर इधर है और यहाँ पे पाई नीचे इधर है। ठीक है, पाई से पाई अगर इसमें कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर देंगे, जिस जगह कैंसिल नहीं होने वाला होगा तो डिग्री में लाने के लिए हमें 22/7 पुट करना होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 18 × 10 = 10, तो यहाँ पे 5 × 10 = 50 डिग्री, क्या आ गया 50 डिग्री। तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे आ गया 50 डिग्री, तो इस पे आके छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मान लीजिए कि 31 पाई अपॉन क्या कर लेते हैं, तो 4 3 ले लेते हैं, 31 पाई अपॉन 3। इस रेडियन को कन्वर्ट कर लेना है, इसमें आप एंगल को कन्वर्ट करना जान गए। फिर इसी में आपको एक फार्मूला आपको बता देते हैं, सर्कल ये है, सर्कुलर फंक्शन में क्या होता है, ये है रेडियस, तो ये है एल, यहाँ पे है थीटा, तो इसका एक फार्मूला बन जाता है, वो एल यानी कि लेंथ ऑफ आर्क में अगर आप रेडियस से डिवाइड करते हैं तो एंगल बन जाता है, और एंगल जो बनता है वो रेडियन में बनता है। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ आर्क में अगर रेडियस से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो डिग्री एंगल बन जाता है, और एंगल जो बनता है वो रेडियन में बनता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, अगर एल इक्वल टू लिखना है तो आर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस पे भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर एल इक्वल टू, ठीक है, अगर एल इक्वल टू कितना है 11 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि एंगल कितना होगा, तो थीटा इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर्मूला होगा यहाँ से एल बाय आर होता है, पुट कर दीजिए आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें पूछेगा कि इन डिग्री में कह दे, इसी में कह दे इन डिग्री, तो डिग्री में कहेगा रेडियन में तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो एल बाय आर हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा एल बाय आर, तो यहाँ पे एल हो गया आपका, यहाँ पे दिया हुआ है 11, अब बाई कितना आ गया 10, इसको कन्वर्ट कर दिए, यहाँ रेडियन में आ गया, ये जो आया रेडियन में, अब इसको कन्वर्ट कीजिए, और थीटा डिग्री में लाने के लिए 11/10 × 180/π, अब यहाँ पे 11/10 लिखिए, 180/π के जगह पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 22/7, मतलब 11/10 × 180 और × 7/22, 11 × 2 = 22, अब यहाँ पे 10 से कैंसिल करेंगे 0 कैंसिल, 18 × 7 कितना आएगा 126 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप कन्वर्ट करना भी जान गए होंगे, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप बना सकते हैं, इस प्रकार से कन्वर्ट करने वाला मिलेगा तो बना सकते हैं, फिर यहाँ पे एक्सरसाइज बना सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपको, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पर बहुत सारे अपने फ्रेंड को लाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है 11th 12th का मैथमेटिक्स का पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगर हर क्वेश्चन को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसे कमेंट करें, और उस कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।